गंगा भारत की एक बड़ी प्रमुख नदी है और उसको इतना गंदा क्यों रखा जा रहा है, क्यों सफाई नहीं हो पा रही। हाल में जी डी अग्रवाल साहब की भी मौत हुई गंगा की लड़ाई लड़ते लड़ते। मेरे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी, जिनको जल पुरुष कहा जाता है। राजन भाई, ये जो अग्रवाल साहब की मौत हुई, उसका आप किसको दोषी ठहराते हैं और क्या कारण है? देखिए, प्रोफेसर जी डी अग्रवाल स्वामी सानंद एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो गंगा का विज्ञान भी समझते थे, अध्यात्म भी समझते थे और गंगा के चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। वो गंगा की सही से निदान करना जानते थे और गंगा का उपचार चिकित्सा भी करना जानते थे, लेकिन सरकार ने कभी उनको पूछा नहीं। उन्होंने अपना जीवन गंगा के, जब वो आईआईटी कानपुर के हेड थे, प्रोफेसर थे, तब सारे विद्यार्थियों को गंगा की रिसर्च पे लगाया और जीवन भर वो गंगा के लिए ही काम करते रहे, लेकिन कभी उनको किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। उनके मन में गंगा बहती थी, वो एक तरह के गंगा के सपुत्र थे। मैं कहूँ कि भागीरथ से ज़्यादा बड़ा काम इसी 21वीं शताब्दी में काम करने वाले स्वामी सानंद थे, प्रोफेसर जी डी अग्रवाल थे, क्योंकि वो तो गंगा की, मैं पिछले 40 साल से हम दोनों साथ काम करते हैं तो मैं उनको समझता था कि उनके मन में गंगा कैसे बहती है। लेकिन इस गंगा को कभी भी सरकार ने किसी भी काल में ऐसे लोगों से नहीं पूछा। सरकारों ने केवल उन लोगों को पूछा जो गंगा की कमाई, गंगा से कमाई करना चाहते हैं। वो भी कहते गंगा को माई हैं, कहते माई हैं लेकिन करते कमाई हैं। तो ये जो कमाई करने वाले लोग हैं, जब वो गंगा के को काम करेंगे तो गंगा साफ नहीं होंगी। जी डी अग्रवाल कमाई करने वाला इंसान नहीं था। जी डी अग्रवाल ऐसा डॉक्टर था गंगा का, जो बिना पैसे के पूरा जीवन गंगा को देने को तैयार था, लेकिन उनके बल में जाते जाते बहुत क्रोध है कि सरकार ने, इस सरकार ने उनके साथ बहुत धोखा दिया। जब वो 2013 में आंदोलन कर रहे थे, तब मोदी साहब ने उनको ट्वीट करके कहा था कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और हमें आप चाहिए, गंगा को आप ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी सरकार आई, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब तक वो गंगा को जानते, तब तक वो कहते थे मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो गंगा जी को भूल गए। इसलिए पिछले 4.5 सालों में गंगा जी पे पैसा तो खर्च हुआ लेकिन गंगा जी की सफाई नहीं हुई। यदि आप गंगा जी की सफाई करना चाहते हैं तो निर्मलता के लिए अविरलता बहुत ज़रूरी है। और वो जैसा उन्होंने पिछली सरकार में लड़के, सरकार से, पिछली सरकार से वो बहुत लड़े थे, पिछली सरकार से लड़के पूरी भागीरथी में 3 डैम रद्द कराए, 135 किलोमीटर एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव डिक्लेयर कराया, तो और नए बांध बनने बंद हो गए। तो अभी भागीरथी पर तो ये अच्छा काम हो गया, लेकिन वो चाहते थे कि अलकनंदा और मंदाकिनी पर भी होना चाहिए, क्योंकि गंगा जी जिसे हम कहते हैं वो अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी के मिलने से देवप्रयाग में बनती हैं। इसलिए गंगा जी के लिए केवल अभी गंदी इसलिए है क्योंकि हम केवल प्रोजेक्ट देते हैं गंगा की सफाई के नाम पर। हम प्रोजेक्ट में पैसा बांटते हैं गंगा की सफाई के नाम पर। हम गंगा जी को गंगा जी बनाना नहीं चाहते। जब तक हम गंगा जी को गंगा जी नहीं बनाएंगे, जब तक हम गंगा जी को यदि नेशनल रिवर डिक्लेयर करते हैं तो उसको नेशनल प्रोटोकॉल नहीं देंगे, तब तक गंगा जी कैसे ठीक होंगी? गंगा जी को इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए राजीव गांधी के टाइम से, क्लीन गंगा मिशन बना, कई सरकारें आई गईं, मोदी सरकार ने तो अपने एक मंत्रालय भी बना दिया, तो ये सब क्या केवल लिप सर्विस करते रहे? कुछ काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं साफ हो रहा है? देखो, ये गंगा जी की राजनीति करते रहे। आपको मालूम है राजीव गांधी जी ने गंगा जी के लिए जब एक्शन प्लान बनाया तो भारत में एक्शन प्लान बनने से पहले ही, जब उन्होंने गंगा का नाम लेना शुरू किया, तो भारत में सबसे ज़्यादा सीट पाने वाले भारत की हिस्ट्री में वो हैं राजीव गांधी। और वो केवल सिंपैथी वोट नहीं थी, लोग कहते हैं कि उनको सिंपैथी वोट मिला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीजेपी क्योंकि वो आरएसएस वाले उनको सिंपैथी वोट नहीं देते। वो वोट था गंगा जी का वोट। फिर मनमोहन सिंह जी ने यूपीए फर्स्ट में गंगा के लिए ये 3 डैम रद्द किए और बहुत अच्छा काम किया, तो दोबारा आ गए।
अभी मोदी जी ने अपने चुनाव से पहले सारी चुनावी सभाओं में ये कहा कि मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है और अब तो मुझे जीवन में गंगा जी को देना ही देना है। तो लोगों ने कहा अरे ऐसा प्रधानमंत्री आएगा तो गंगा जी अविरल निर्मल बन जाएंगी। तो जी डी अग्रवाल जी ने अपना अनशन तोड़ दिया, क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी ने आके कहा कि पिछली सरकार जो 30 सालों में नहीं कर पाई, ये सरकार मोदी जी की सरकार 3 महीने में कर देगी। तो लोगों को लगा अरे, तो जो हम सब लोगों ने अपना आंदोलन बंद कर दिया, रद्द कर दिया। हम इंतजार करते रहे 4.5 साल, जब नहीं हुआ फिर जी डी अग्रवाल जी आमरण अनशन पर बैठे और हम सब लोग इस काम में लग गए। लेकिन कहाँ पे कमी रह रही है, कहाँ कमी रह रही है? क्या लोगों को जागरूकता नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं करना चाहते? देखिए सबको मैं जागरूकता की कमी कहने से काम नहीं चलेगा। लोगों को आप जब कहिए, जब सरकार की प्रतिबद्धता उसमें दिखे। सरकार तो केवल कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना पैसा बांटती है और किसी से जवाब नहीं मांगती। पैसा बट जाता है हजारों करोड़ लाखों करोड़ और कुछ काम नहीं होता, उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता। ये जो अग्रवाल साहब की, प्रोफेसर अग्रवाल की डेथ हुई, ये बड़े एक सस्पिशियस माहौल में हुई। हाँ। उसमें आप किसको दोषी ठहराते हैं? मैं इसमें सरकार को दोषी मानता हूँ, केवल और केवल सरकार को दोषी मानता हूँ। तो आपको कहना है कि उनको जो अनशन के बाद एम्स ले गए, वहाँ पे कुछ हेर फेर हुई? जो भी कुछ हुआ हो, देखिए वो व्यक्ति 114 दिन हो गए थे उनको मरने से पहले। क्या इस सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कितना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा संत, गंगा जी को अविरल निर्मल बनाने के लिए जो तुमने चुनावी घोषणाओं में कहा था, उन चुनावी घोषणाओं के लाइट में तुम्हारी मदद करने के लिए सत्याग्रह कर रहा है, तो उनसे जाके एक बार बात कर लें। क्या प्रधानमंत्री को नहीं सूझा था? क्या प्रधानमंत्री जी के एजेंडे पे गंगा नहीं थी? यदि प्रधानमंत्री के एजेंडे पे गंगा नहीं थी तो फिर वो उनके मरने के बाद ट्वीट क्यों करते हैं? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री के एजेंडे पे गंगा थी, लेकिन प्रधानमंत्री उनको बचाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो मर जाए, वो मर गए, वो मरे नहीं, लेकिन ये देश खड़ा हो रहा है। गंगा के नाम पर आप उनको मार नहीं सकते, ये देश खड़ा होगा। आगे के लिए क्या होगा, किस तरह से हम गंगा को साफ कर पाएंगे? देखिए 300-400 मिलियन लोग उसके किनारे बसते हैं, सारा हिंदुस्तान, नॉर्थ इंडिया उसी के बस पे चलता है, कैसे साफ करें? देख बड़े दुख की बात है राजन भाई, गंगा भारत की सभ्यता और संस्कृति है और संस्कृति की पार्टी का राज है हमारे देश में, लेकिन वो संस्कृति का की जो पार्टी है उसने कदाचित भी गंगा को बचाने की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। यदि गंगा को बचाना है तो गंगा की एक प्रतिबद्धता चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, एक रुचि चाहिए। तो ये रुचि जीडी अग्रवाल के जाने के बाद बिल्कुल पता चल गया, नंगे हो गए ये लोग कि ये संस्कृति की दुहाई देते हैं, लेकिन संस्कृति के लिए काम करने वाले लोगों का रक्षण संरक्षण और पोषण की चिंता इनको नहीं है। इसलिए इससे मुझे लगता है कि जीडी अग्रवाल के जाने के बाद अब गंगा को पुनर्जीवित करने की एक स्वस्थ बहस खड़ी होगी और फिर इनको ये कानून बनाना ही पड़ेगा और कानून की लाइट में काम करना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, देखिए आने वाले दिनों में बड़ा कुंभ मेला आ रहा है, प्रयाग में होना है कुंभ मेला, वहाँ पे कुछ जागरूकता करने की कुछ आप ट्राई करेंगे? जागरूकता वगैरह तो होंगी, पर उससे पहले एक लीगल लड़ाई शुरू होगी। यदि कुंभ में गंगा जी का पानी स्नान करने योग्य नहीं है तो फिर वहाँ कुंभ क्यों कराते हैं, कुंभ बंद करो। ये लीगल लड़ाई अब शुरू कर रहे हैं लोग, तो और इसी के कानून के दायरे में ये लड़ाई होगी। तो सरकार को अब सोचना ही पड़ेगा। ये जो अवेयरनेस है ये तो लोगों में जो अपनी एक तरह की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन है। तो हम ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन कराने के लिए तो पूरे देश में गंगा सद्भावना यात्रा कर रहे हैं। ये उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी और पूर्व भारत में भी और पश्चिम भारत में भी सभी जगह जाएगी, सब राज्यों में जाएगी। और चूंकि गंगा जी को ये पूरा भारत मानता है, ये गंगा जी भारत की एकता और अखंडता की प्रतीक रही है, इसलिए इस एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हम गंगा को पूरे भारत की नदी मानकर एक चेतना जगाने का काम करेंगे। आप ये जो अग्रवाल साहब की मौत हुई उसमें
एनवायरनमेंट मिनिस्टर को या गंगा मिनिस्टर को या प्रधानमंत्री को या तीनों को दोषी मानते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा दोषी तो प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब वो चुनाव लड़ने आया था, तब उसका गंगा उसके सबसे ऊपर एजेंडे पर थी। तो यदि गंगा चुनाव के वक्त उनके सबसे ऊपर एजेंडे पर थी, तो चुनाव के बाद भी रहनी चाहिए थी। गंगा में कहीं भी पॉल्यूशन में कोई कमी नहीं आई, गंगा के पर्यावरणीय प्रवाह में कहीं कोई सुधार नहीं आया। तो जब गंगा के पॉल्यूशन में और पर्यावरणीय सुधार नहीं आया, तो फिर किसको दोषी मानेंगे? वो तो प्रधानमंत्री को मानेंगे। तो सबसे बड़ा दोष प्रधानमंत्री का है। तो आने वाले टाइम में आप प्रधानमंत्री को मिलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि देखिए, पिछले प्रधानमंत्री के साथ तो आपने काम किया, इनके संग भी कुछ उम्मीद है आपको काम करने की, कुछ समझाने की? भाई, वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। यदि उनके मन में होती कि इनको बुला के बात करें, तो प्रोफेसर जी डी अग्रवाल, मैं, हम सब तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन उनके मन में नहीं है, वो हमसे बात नहीं करना चाहते। वो हमको, उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है, जिस अर्थ के वो लालची हैं, हम उस अर्थतंत्र के विरोधी मानता है वो। तो वो विरोधी को कैसे बुला के बात करेगा यार? हमें तो वो बुलाएगा ना, जो इस देश में प्रकृति को, पर्यावरण को, यहाँ की साइंस को, यहाँ की पीपल साइंस को सम्मान करता हो। ये तो बिल्कुल नहीं करता, ये तो लालची प्रधानमंत्री है, और ये तो लालच में फंसा हुआ है। इसलिए लालची प्रधानमंत्री हमें क्यों बुलाएगा यार, तुम ऐसी बात करते हो हमसे? तो आपकी तरफ से क्या होगा आगे, क्या पहल करोगे आप जिससे कि गंगा साफ हो? देखिए, हम छोटे आदमी हैं। हम छोटे नहीं हो, आप बड़े, बड़े नहीं हैं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। इसलिए हमने अपने जीवन में 40 सालों में काम करके इस देश में 11 नदियों को पानीदार बनाया, वो छोटा काम था। अब ये गंगा जी जो है बड़ा काम है, तो गंगा जी जैसा बड़ा काम तो सरकार ही कर सकती है। तो हम इस सरकार पर इस सरकार की संवेदना जगाएंगे और भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे। प्रोफेसर जी डी अग्रवाल तो राम जी के पास जाकर प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिसने गंगा को धोखा दिया है, उस धोखे देने वाले को दंडित करे। तो हम सब प्रोफेसर जी डी अग्रवाल की शक्ति में शक्ति जोड़ेंगे, क्योंकि प्रोफेसर जी डी अग्रवाल जी तो अब राम जी के पास पहुंच गए हैं। तो अब वो राम जी को कहेंगे कि अपराधी को, दोषी को दंडित करो जिसने गंगा को। तुम जानते हो, गंगा जी जो है ना, वो राम की पूज्या हैं, तो राम अपनी पूज्या की रक्षा के लिए तो खड़ा होगा कि नहीं होगा? मैं तो कहता हूँ कि भैया, राम के मंदिर वंदिर तो भूल जाओ, तुम तो पहले राम की पूज्या को बचाओ। राम की पूज्या तो गंगा है, तो राम की पूज्या को बचाना जरूरी है कि पहले मंदिर बनाना जरूरी है? मंदिर तो तुम कभी भी बना सकते हो, कभी भी, जब तुम चाहोगे तब बना लोगे, तुम्हें कौन मंदिर बनाने से रोक सकता है? लेकिन यदि माँ गंगा मर गई तो उसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते। इसलिए मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ कि भैया, तुम जरा समझो, राम मंदिर तो तुम जब चाहोगे जब बना लोगे, उसको अभी रोक दो। अभी तो तुम केवल और केवल राम जी की जो पूज्या हैं, गंगा माई, उनको बचा लो, उनको ठीक कर लो, तो हम सब तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। हम तो भाई, तुम जानते हो, हम तो अच्छे काम के साथी हैं। तो यदि ये राम की पूज्या माँ गंगा को ठीक कर लें, उसमें काम में जुट जाएं, और पैसा बर्बाद ना करें इस देश का। अभी ये गंगा के नाम पर केवल पैसा बांट रहे, केवल कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब भर रहे हैं, केवल कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे, गंगा को फायदा नहीं पहुंचा रहे। जो भी कुछ काम इन्होंने गंगा पे किया है, वो केवल और केवल कंपनियों के लिए किया है। तो आने वाले टाइम में कुछ उम्मीद रखी जा सकती है कि जब सारी देश और जनता लगेगी तो गंगा साफ हो जाए? निश्चित ही लगेगी। अब तो समय आ गया, क्योंकि स्वामी सानंद इस देश को बहुत बड़ी शक्ति दे के गया है, ऐसे नहीं गया। और यदि इस देश ने स्वामी सानंद की शक्ति को ग्रहण नहीं किया, इस शक्ति को समझा नहीं, तो ये देश धोखा खाएगा। स्वामी सानंद तो शक्ति दे गए माँ गंगा की, लेकिन ये देश, ये सरकार यदि अभी भी कुछ नहीं करेगी, यदि अभी भी सरकार स्वामी सानंद की मांगों को पूरा नहीं करेगी, तो ये दंडित होगी, और इसको दंडित करेंगे प्रभु श्री राम। तो ये थे जल पुरुष राजेंद्र सिंह साहब बताते हुए कि गंगा का सफाई का जो अभियान है वो ज़रूरी है,
और उसमें देश की जनता को और ख़ासकर सरकार को बहुत साथ लगने की ज़रूरत है, और वो अगर नहीं हुआ तो वो देश और देश की सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। नई दिल्ली से पल्लव बागला।